नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। शुरुआत करेंगे खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव की आवाज पर धूमधाम से हरेली तिहार मनाया जा रहा है। अरुण साव की आवाज पर छत्तीसगढ़ी कलाकार मनमोहक प्रस्तुति दे रहे हैं और इस मौके पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कृषि उपकरणों की पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों को हरेली की शुभकामनाएं दी। और ये देखिए, लोक कलाकार इस दौरान मनमोहक प्रस्तुतियां देते हुए नजर आए हैं, जहां पर आप देखेंगे कि डिप्टी सीएम अरुण साव अपने परिवार के साथ पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। हरेली का त्यौहार है और इस दौरान डिप्टी सीएम अरुण साव ने हरेली की सभी को शुभकामनाएं देते हुए पूजा पाठ किया, भगवान का आशीर्वाद लिया और मनमोहक प्रस्तुतियां कलाकार यहाँ पर देते हुए नजर आए हैं। और ये देखिए, लोक कलाकार मनमोहक प्रस्तुति देते हुए हरेली का ये भव्य त्यौहार मनाया जा रहा है और इसके चलते भव्य कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है। हरेली का त्यौहार मनाने के लिए पूरे परिवार के साथ डिप्टी सीएम अरुण साव पहुंचे हुए हैं और इस दौरान आप देखेंगे कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से पूरा जो परिसर है वो सजा दिया गया है। आज हरेली का त्यौहार है, हमारी छत्तीसगढ़ की ये परंपरा और संस्कृति का हिस्सा है। सैकड़ों वर्षों से ये हरेली का त्यौहार हर घर में हर गांव में मनाया जाता है और आज हम सब ने हरेली का त्यौहार मनाया है। कृषि उपकरणों की पूजा की है, औजारों की पूजा की है, गौ माता की पूजा आरती की है और हर घर पे दरवाजे पे नीम के पत्ते लगाए जाते हैं। तो ये हमारी परंपरा और संस्कृति का हिस्सा है जिसका निर्वहन आज हमने किया है। गेड़ी चढ़ने के लिए बड़ी उत्सुकता रहती है, तो निश्चित रूप से आज हरेली का ये पावन पर्व, सभी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं। तो देखिए, सभी जगह जो है हरेली को लेकर खासा उत्साह जो है वो नजर आ रहा है और डिप्टी सीएम अरुण साव के निवास में भी खास आयोजन जो है वो किए गए हैं। लोक कलाकार यहां पर पहुंचे हैं, खास सज्जा जो है वो निवास की गई है। इसके साथ ही डिप्टी सीएम अरुण साव ने जो है कृषि उपकरणों की सबसे पहले पूजा अर्चना की, इसके बाद वो गौ माता की भी पूजा अर्चना यहां पर की और एक खास तैयारी हरेली त्यौहार को लेकर डिप्टी सीएम के निवास पर जो है वो बड़े उत्साह के साथ जो है सभी हरेली का ये पर्व जो है वो मना रहे। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ तनु वर्मा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। सीएम हाउस में भी हरेली मनाएंगे और हरेली की पूरे प्रदेशवासियों को अग्रिम शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। तो वही मुंगेली में केंद्रीय मंत्री तोखन साहू अपने गृह ग्राम पहुंचे, जहां उन्होंने हरेली तिहार पर पूजा अर्चना की। उन्होंने कृषि उपकरण और गौ माता की पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की है। केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने अपने दोस्तों के साथ गेड़ी भी चलाया और लोगों को हरेली तिहार की बधाई देते हुए नजर आए। और हमारे छत्तीसगढ़िया मन के प्रमुख त्यौहार के मैं पूरा प्रदेशवासी मल्ला और देशवासी मल्ला गाला गाला बधाई देता हूँ। जब से धरती है और जब से हम धरती में जन्म लेके आए हैं, तब से हमार सियान मन, हमार पूर्वज मन हरेली के त्यौहार ला मनाते हैं। कितना सुंदर है, पावन अवसर है। जब धरती मैया हरियाली ओल्ड थे, चारों तरफ हरियाली आ जाते, हम बाऊक ब्यासी और रोपाई के काम लग कर लेते, तब ये हरियाली के पावन अवसर आते। पूरा किसान भाई मन के लिए खुशहाली के पर्व है और माननीय विष्णुदेव जी के मुख्यमंत्री बने के बाद तो हर किसान के मन में खुशी के वातावरण है और इंद्र देवता की भी कृपा है कि बढ़िया छत्तीसगढ़ में वर्षा होते, पूरा देश में वर्षा होते। मैं ऐसे पावन अवसर के जब हमारे किसान भाई मल्ला, हमारे छत्तीसगढ़ के संगी संगवारी मल्ला गाड़ा गाड़ा बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज छत्तीसगढ़ के लोग पारंपरिक हरेली तिहार मुंगेली में भी धूमधाम से मनाया जाएगा। किसान कृषि उपकरणों और गाय बैलों की पूजा करेंगे। किसान इस दिन अच्छी फसल और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। इस दिन घरों में गुलगुला, चीला, चोसेला, फरा जैसे छत्तीसगढ़ी व्यंजन बनाते हैं। बच्चे गेड़ी दौड़ करते हैं और हर साल की तरह इस बार भी लोरमी रामूनगर के कुशल गेंदले की सबसे ऊंची 15 फीट की गेड़ी बनी है, जो हर साल सबके लिए आकर्षण का विषय रहता है।
और चलिए शुरू करेंगे रायपुर से संवाददाता तनु वर्मा और साथी प्रशांत शर्मा मुंगेली से जुड़ गए हैं। तो पहले तो तनु आपके पास आते हैं, कहां पर आप इस वक्त मौजूद हैं, क्योंकि देखा जाता है कि रायपुर के आसपास के तमाम इलाकों में खासतौर पर जो सीएम हाउस है वहां पर भी भव्य तैयारियां की गई हैं, हरेली का त्योहार मनाया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए सावन माह के कृष्ण पक्ष में अमावस्या के दिन जो है हरेली त्योहार वो मनाया जाता है और ये छत्तीसगढ़ का पहला त्योहार है। ऐसे में हरेली त्योहार को लेकर छत्तीसगढ़ वासियों में खासा उत्साह जो है वो नजर आता है और बड़े ही धूमधाम से पूरे प्रदेश में इसे मनाया जाता है। खासा उत्साह की बात हम बात करें तो किसानों में हरेली त्योहार को लेकर खास उत्साह जो है वो देखने को मिलता है और राजधानी रायपुर के अलग अलग हिस्सों में भी खास आयोजन हरेली त्योहार को लेकर किया गया। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सीएम मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के हाउस के बाहर में, जहां पर सीएम हाउस में भी हरेली त्योहार को लेकर खास आयोजन जो है वो किए गए हैं। सीएम हाउस को परंपरागत अंदाज से जो है वो सजाया गया है। इसके साथ ही सीएम हाउस में ग्रामीण थीम के मुताबिक जो है साज सज्जा है वो की गई है। गांव में झूले जाने वाले झूलों को भी सीएम हाउस में जो है वो लगाया गया है। इसके साथ ही लोक कलाकार भी थोड़ी देर में यहाँ पर सीएम हाउस के अंदर जो है उपस्थित रहेंगे, लोक कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे और करीब 11 बजे से सीएम हाउस में हरेली का त्योहार का आयोजन जो है वो शुरू हो जाएगा। इससे पहले भी डिप्टी सीएम अनुज साव ने हरेली के त्योहार जो है वो मनाया है। डिप्टी सीएम के हाउस में भी खास तरीके से हरेली का पर्व जो है वो मनाया गया और खास साज सज्जा भी वहां पर की गई थी। क्योंकि हरेली के त्योहार में किसानों को खासा उत्साह होता है, वहीं सावन के महीने में चारों तरफ हरियाली जो है वो देखने को मिलती है। ऐसे में इसे हरेली का त्योहार भी जो है वो माना जाता है। और वहीं हरेली के त्योहार में कृषि उपकरणों की जो है पूजा अर्चना की जाती है, गौ माता की पूजा अर्चना की जाती है। तो फिलहाल सभी मंत्रियों के निवास में अलग अलग तरीके से हरेली के त्योहार को जो है मनाया जा रहा है, खास सज्जा की गई है और थोड़ी कुछ ही देर में सीएम हाउस में भी हरेली का त्योहार जो है वो शुरू हो जाएगा और करीब 11 बजे का समय इसको लेकर दिया गया है। वहीं सीएम हाउस में भी हरेली त्योहार को लेकर खास आयोजन जो है वो किए गए हैं। इसके अलावा और भी राजधानी के अलग अलग जगहों पर खास तैयारी जो है वो की गई। जी बिल्कुल, और प्रशांत आपके पास आते हैं, मुंगेली में किस तरीके से लोग हरेली का त्योहार मना रहे हैं, हम देख रहे हैं कि सबसे ऊंची गेड़ी यहाँ पर मनाई गई है। ये निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ का पहला त्योहार, लोक पारंपरिक त्योहार हरेली त्योहार जो है सावन की हल्की बारिश के बीच में मनाया जा रहा है। और जिस तरह कृषि उपकरणों की पूजा करने के बाद जो किसान है वो अब त्योहार मनाने सड़कों पर उतरे हैं। युवाओं को आप देख सकते हैं कि नारियल फेंक के लिए कैसे सड़कों पर उतरे हैं। और हरेली त्योहार जो है काफी धूमधाम से मनाया जाता है। और छत्तीसगढ़ में कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में जो त्योहारों की शुरुआत होती है वो हरेली से होती है। युवाओं में खासा उत्साह है और अब सड़कों पर उतर कर ये हरेली त्योहार मनाने, नारियल फेंक जैसे कई आयोजन कर रहे हैं। किस तरह के आयोजन हरेली पर हो रहे हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे लोरमी नगर में मुक्तिधाम सेवा समिति के द्वारा मुक्तिधाम में भी हरेली त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और वहाँ नारियल फेंक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। साथ ही साथ चौक चौराहे में नगर में नारियल फेंक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। किसी भी कीमत पर हम इस परंपरा को जिंदा रखे। घरों में जो पारंपरिक व्यंजन है छत्तीसगढ़ी व्यंजन वो बनाए जाते हैं, किस तरह के व्यंजन है? हरेली पर्व के अवसर पर हमारे घरों में जो है छत्तीसगढ़ी पर्व के प्रथम त्योहार के अवसर पर गुलगुला भजिया और चीला, मीठा चीला जिसको बोलते हैं अपन लोग, ये बनाया जाता है और इसको औजारों में चढ़ा कर भोग लगाकर घर में खाया जाता है। हरियाली हरेली हरियाली प्रतीक है, किस तरह आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं किसान की तरह? किसान पूरे हर्षोल्लास के साथ हरेली त्योहार को मना रहे हैं। अमावस्या तिथि, श्रावण मास की अमावस्या तिथि को ये त्योहार मनाया जाता है और पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं अभी तो पूरे देश में हरियाली का माहौल है और किसान इसको अपने घर में नए चावल के साथ पकवान बना करके इस त्यौहार को मनाते हैं और पूरे छत्तीसगढ़ वासियों में हरेली की खुशी छाई हुई। तो आप देख सकते हैं किसान जो है फसल और सुख समृद्धि की कामना को लेकर ये हरेली त्यौहार मना रहे हैं। कुछ और लोग हैं, युवा हैं हमारे साथ, किस तरह आप लोग हरेली त्यौहार सेलिब्रेट? हम लोग त्यौहार को नारियल फेंक के मनाते हैं, खेल खेलते हैं उसमें और गेड़ी चढ़ते हैं उसमें, बाकी सब दोस्त आते हैं मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हरेली त्योहार में लोग गेड़ी भी चढ़ रहे हैं और एक मैं बता दूं कि रामू नगर के कुशल गेंदले है जो कि 15 से 20 फीट की ऊंचाई वाला गेड़ी जो कि लगभग इस इलाके में सबसे ऊंची गेड़ी माना जाता है उसे चलाते हैं, जो लोगों के लिए कौतूहल का भी विषय रहता है। जी। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह किसानों में हर्षोल्लास है और पिछले 2-3 दिनों से सावन में जिस तरह बारिश हुई है तो बारिश ने कहीं ना कहीं
किसानों के चेहरे जो है वो खिला दिए हैं और किसान अब अच्छी फसल की कामना करते हुए हरेली तिहार बिल्कुल मना रहे हैं। बिल्कुल, आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, जानकारी देने के लिए। और इस तरीके से हरेली का त्यौहार आज पूरे छत्तीसगढ़ में मनाया जा रहा है। अंबिकापुर जिले के सीतापुर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी विधायक रामकुमार टोप्पो बनारस से जल लेकर मैनपाट के चुरकी धाम के लिए निकले हैं। रामकुमार की कांवड़ यात्रा 12 अगस्त को मैनपाट के चुरकी पानी धाम पहुंचेगी, जहां वो बनारस के 80 घाट के गंगा जल से भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। रामकुमार टोप्पो के साथ ही 100 कांवड़ियों का जत्था भी जल लेकर चल रहा है। ये लोग 409 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर बनारस से मैनपाट के चुरकी धाम पहुंचेंगे, जहां भगवान शिव को जल अर्पित कर सुख शांति की कामना करेंगे। मिलकर बोलो, आगे वाले चलते बोलो, बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम, जोर से बोल जी, बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। और खबर बालोद से है, जहां पर ठगी का आरोपी रिटायर्ड जवान गिरफ्तार हुआ। ठगी का मुख्य आरोपी है रिटायर्ड आर्मी का जवान उत्तम खंडेकर, महाराष्ट्र के गोंदिया से गिरफ्तार किया गया है। दो लोगों से नौकरी के नाम पर 19,50,000 रुपए ठगे थे। रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी की गई थी। मामले में दो आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। बड़ी खबर बालोद से आपको दे रहे हैं, जहां ठगी का आरोपी रिटायर्ड जवान गिरफ्तार हो चुका है। ठगी का मुख्य आरोपी है रिटायर्ड आर्मी का जवान उत्तम खंडेकर, महाराष्ट्र के गोंदिया से गिरफ्तार हुआ है। और संवाददाता अभिषेक पांडे जुड़ गए। अभिषेक, रिटायर्ड आर्मी का जवान उत्तम खंडेकर महाराष्ट्र के गोंदिया से गिरफ्तार कर लिया गया है? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सही घटना है। पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है और आमतौर पर आर्मी के जवानों को चाहे वो पद में रहे या रिटायर्ड हो गए, उन्हें बड़े सम्मान से देखा है, लेकिन उत्तम खंडेकर ने उस सम्मान पर कहीं ना कहीं काली पोत दी है। ये रेलवे में और सेंट्रल गवर्नमेंट में अपनी ऊंची पहुंच का झांसा देकर बेरोजगारों से इसने ठगी की है और करीब करीब 19,19 लाख रुपए इसने ऐड लिए थे। लंबे समय से पुलिस को इसकी तलाश थी। हालांकि पहले दो आरोपी गिरफ्तार हो चुके थे, लेकिन ये जो मुख्य आरोपी रिटायर्ड आर्मी जवान था उत्तम खंडेकर, इसे अब जाकर गिरफ्तार किया गया है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए अभिषेक। और इस तरीके से देखिए, आप अक्सर जैसा अभिषेक भी बता रहे हैं कि जो रिटायर्ड अधिकारी होते हैं, आर्मी के जवान होते हैं, उनके लिए एक अलग ही रिस्पेक्ट होता है, लेकिन जिस तरीके से पूरी घटना सामने आई वाकई में थोड़ी चौंकाने वाली है। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। खबर राजनांदगांव से, जहां बस ने मारी लोगों को टक्कर, बस का ब्रेक फेल होने की वजह से यह हादसा हुआ है। कुछ लोगों को मामूली चोट आई है, सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना कैद हो गई है। खैरागढ़ के इतवारी बाजार में यह हादसा हुआ है। खबर राजनांदगांव से है, जहां बस ने लोगों को मारी टक्कर, बस का ब्रेक फेल होने की वजह से यह हादसा हुआ और कुछ लोगों को मामूली चोट भी आई है। सीसीटीवी कैमरे में हादसा कैद हुआ है। खैरागढ़ के इतवारी बाजार में यह हादसा हुआ है। मंत्रालय में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर तैनात विष्णु केडिया से 6 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया। ठगी के शिकार रोजगार नियोजन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर विष्णु केडिया ने बिलासपुर के सरकंडा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। मोक्का निवासी विष्णु केडिया ने अपने बैंक खाते का ऑनलाइन KYC कराया था और इसी दौरान ठगों ने उनके खाते से 6 लाख रुपए उड़ा लिए। सरकंडा पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी है। और संवाददाता उमेश मौर्य जुड़ गया। उमेश, ऑनलाइन ठगी के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या है पूरा मामला? देखिए, अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है इस मामले पर। जो डायरेक्टर हैं रोजगार नियोजन विभाग के मंत्रालय में पदस्थ हैं विष्णु केडिया, उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है कि KYC अपडेट कराने के नाम पर उन्होंने KYC अपडेट किया था, जिसमें अलग अलग तरीके से उनके अकाउंट से 6 लाख रुपए की ठगी कर ली गई है। इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने, चूंकि उनका निवास जो है वो मुक्का में है, ऐसे में सरकंडा थाने में उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखें
कि किस तरीके से सातीर जो ठग हैं वो केवाईसी अपडेट हो या बैंकिंग अपडेट हो, इस तरीके के अलग अलग के माध्यम से जो है लिंक जारी करते हैं, और उसी लिंक के में अपडेट करने के नाम पर जब लिंक को ओपन करते हैं तो कहीं ना कहीं आदमी उसका शिकार हो जाता है ठगी का। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच की जा रही है, आरोपियों की तलाश जारी है। और अब आश्चर्य की बात यह कि जो ठग हैं वो उन लोगों को निशाना बना रहे हैं जो बड़े पदों पर हैं। अब जरा सा भी डर नहीं है कि ऐसे अगर वो ठगी की वारदातों को अंजाम देंगे तो बहुत बुरी तरीके से फंसेंगे, बावजूद इसके हौसले बुलंद है। आप लगातार जुड़े रहिए उमेश, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। बिलासपुर में शेयर ट्रेडिंग में प्रॉफिट का झांसा देकर महिला डॉक्टर से करीब 10 लाख रुपए की ठगी कर ली गई है। महिला डॉक्टर सोनल पटेल बिलासपुर सिम्स में तैनात है और इनके इंस्टाग्राम पर लिंक के जरिए निवेश का झांसा देकर फंसाया गया और ठगों ने डॉक्टर सोनल पटेल से 9,80,000 रुपए की ठगी कर ली। ठगी का एहसास होने पर सोनल पटेल ने बिलासपुर कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। संवाददाता उमेश लगातार जुड़े। उमेश, जैसा कि हम पहले भी जिक्र कर रहे थे कि पहले तो लोगों को निशाना बनाया जाता था जो ज्यादा जानकार नहीं होते थे ऑनलाइन या किसी भी तरीके के ट्रांजैक्शन के बारे में, लेकिन अब तो डॉक्टरों को भी चपत लगाई जा रही है। सबसे ताजुब की बात यही है कि पढ़े लिखे जो शिक्षित वर्ग के लोग हैं अब उनके निशाने पे सातीर ठग हैं। देखिए किस तरीके से वो अपना निशाना बना रहे हैं। पहले वो शेयर ट्रेडिंग में प्रॉफिट कमाने का उनको झांसा देते हैं, उनके इंस्टाग्राम में एक लिंक आता है, लिंक को ओपन करने के लिए वो इतना प्रेशर बनाते हैं कि सामने वाला आदमी मजबूर होकर उस लिंक को ओपन करता है, और जैसे ही ओपन करता है वो उनके चंगुल में फंस जाता है और अलग अलग तरीकों से वो अपने शेयर में ट्रेडिंग करने के लिए उनसे पैसे वसूल लेता है। यही एक मामला ऐसा ही सिम्स में पदस्थ डॉक्टर सोनल पटेल के सामने आया। सोनल पटेल के भी इंस्टाग्राम में इसी तरीके का लिंक आया, उसने ओपन किया और उनसे अलग अलग किस्तों में पैसे जमा करवाए गए। क्योंकि सोनल को पहले प्रॉफिट दिखा, जब उसने इस पूरे अकाउंट से अपने पैसे को निकालने की कोशिश की तो पैसा जो है निकलने से जो अकाउंट है वो हैक हो गया। इस पूरे मामले की शिकायत जो है सोनल ने थाने में की है, कोतवाली पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। देखना होगा कि किस तरीके से इस पूरे मामले को पुलिस संज्ञान में लेती है, जांच में लेती है और आरोपियों को कब तक गिरफ्तार करती है। जी जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपको उमेश तमाम जानकारी के लिए। और देखना यही है कि पुलिस कब तक इन साइबर ठगों को गिरफ्तार कर पाती है। शेयर ट्रेडिंग का लालच देकर डॉक्टर को 10 लाख की ठगी का शिकार बना लिया गया, शेयर ट्रेडिंग का लालच दिया गया था और उसमें एक इंस्टाग्राम के माध्यम से एक लिंक शेयर किया गया था। बेवजह कोई भी लिंक आपको ओपन नहीं करना है, वरना आप साइबर ठगी का शिकार भी हो सकते हैं। खबर गरियाबंद से जहां न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है, छात्रों को करंट लगने के मामले में असर हुआ है। स्कूल पहुंचे बिजली विभाग के कर्मचारी, जहां फ्लोराइड रिमूवल प्लांट से तार हटा दिया गया है। स्कूल में 4 छात्रों को करंट लगा था, फ्लोराइड रिमूवल प्लांट में ये करंट आ रहा था। दरअसल फ्लोराइड रिमूवल प्लांट बनाया गया है जिसमें पानी को साफ करके लोगों तक पहुंचाया जाता है, लेकिन इसमें कोई तार है जो कि टेक्निकली फॉल्ट हो रहा था और इस वजह से करंट उतर रहा था पानी में, और 4 छात्रों को इसका करंट लग भी चुका था। तुरंत सूचना दी गई, दमकल की माफ कीजिएगा बिजली विभाग की टीम मौके पर पहुंची और इस तार को हटा दिया गया है। तो न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर से असर हुआ है, जहां पर फ्लोराइड रिमूवल प्लांट से तार हटाने के लिए बिजली विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और इस तार को हटा दिया गया, जिससे जो करंट की समस्या थी वो खत्म हो चुकी है। खबर धमतरी से, गंगरेल बांध में पानी की आवक बढ़ गई है, 14,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी की आवक बढ़ी। बांध के 3 गेट से छोड़ा जा रहा है नदी में पानी, महानदी में छोड़ा जा रहा है 5,000 क्यूसेक पानी, लगभग 88% भर चुका है गंगरेल बांध। तटीय गांवों को अलर्ट किया जा रहा है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं धमतरी से, जहां पर गंगरेल बांध में पानी की आवक बढ़ गई है, 14,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी की आवक हो गई है। तो महानदी में पानी छोड़े जाने की प्रक्रिया है, तटीय गांवों को अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। धमतरी का पूरा मामला है, जहां पर बांध का जलस्तर बढ़ने की वजह से यहां के गेट खोलने पड़े और इस वजह से महानदी का पानी जलस्तर बढ़ गया है।
रायपुर से खबर है, हरेली त्यौहार पर राज्य को स्वागत मिली। 535 चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्ति की गई। सीएम विष्णुदेव साय की पहल पर नियुक्ति, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी के निर्देश पर नियुक्ति दी गई है। हरेली त्यौहार के दिन मिली बड़ी सौगात, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रायपुर से, जहां पर हरेली त्यौहार पर राज्य को सौगात, 535 चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्ति दी गई। सीएम विष्णुदेव साय की पहल पर नियुक्ति दी गई है। तो देखिए, आज जहां हरेली का त्यौहार पूरे छत्तीसगढ़ में मनाया जा रहा है, तो वहीं हरेली त्यौहार पर राज्य को बड़ी सौगात मिली है, जहां 535 चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। सीएम विष्णुदेव साय ने की पहल पर ये नियुक्ति की गई है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी के निर्देश पर नियुक्ति, जहां हरेली त्यौहार के दिन ये बड़ी सौगात मिली है। संवाददाता आकाश जुड़ गया। आकाश, 535 चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, बड़ी सौगात हरेली के खास मौके पर। जी बिल्कुल, देखिए स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश के बाद विभाग ने जो पदस्थापना के आदेश जारी कर दिए, 535 चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। बता दें कि चिकित्सकों की कमी को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी और मांग भी हो रही थी कि जल्द से जल्द पद भरा जाए। विधानसभा सत्र अभी चला, उसमें भी जो है स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि 15 दिनों के भीतर जो है चिकित्सा अधिकारियों के अधिकांश पद भरे जाएंगे और नियुक्तियां दे दी गई है। सेवाओं में तुरंत चिकित्सकों को जाने के लिए कहा गया, ताकि स्वास्थ्य सेवाएं जिन अस्पतालों में नहीं है वहां बेहतर हो सके, लोगों को इलाज मिल सके। वहीं फोकस ये है कि जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहां पे चिकित्सक मिले। ग्रामीण चिकित्सा सेवा के तहत जो चिकित्सकों की नियुक्ति दी गई है, वहां पे भी व्यवस्था दुरुस्त करने की बात जो है वो कही गई है। जी जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका आकाश तमाम जानकारी के लिए।